दोस्तों क्या हो रहा था अब तक इंडियन मार्केट में कि इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स हमारे पास खूब सारे थे, बट कोई एक प्रीमियम थ्री व्हीलर नहीं था या किसी ने बहुत ज़्यादा थॉटफुल प्रोसेस से नहीं बनाया था, जब उन्होंने आगे दो शॉक एब्जॉर्बर्स दिए हो, फिर उसके बाद में एक LED लाइट का भी ऑप्शन दिया हो, ऊपर हार्ड टॉप दिया हो, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक रेंज दी हो जो 197 किलोमीटर के आसपास गवर्नमेंट सर्टिफाई करती है, ARAI सर्टिफाई करती है, और लगभग 150 से 160 किलोमीटर तक गाड़ी खुद चलती है। तो ये वाला जो गाड़ी है ये मोंटेरा का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अगर इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो हरकुलिस साइकिल से लेकर चोला मंडलम फाइनेंस तक जितनी सारी चीज़ें आप मार्केट में देखते हो मोबिलिटी से जुड़ी हुई, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे कोई भी आप सेक्टर उठा के देख लो, वहाँ पर इनकी गाड़ियाँ जो है वो आती है। मोंटेरा थोड़ा सा जो है इनका अभी नया ब्रांड है, पहला इनका जो प्रोडक्ट आता है, बट कमाल का प्रोडक्ट मुझे लगता है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो सिर्फ 3,02,000 रुपये से शुरू होता है, पर अभी मिलेगा सिर्फ भारत के 5 स्टेट्स में और जल्दी जल्दी ये पूरे भारत में इसको फैला देंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोंटेरा के इस थ्री व्हीलर के बारे में, क्या सारी चीज़ें हैं, कितना चलेगा, कैसे चलेगा, कितने सारे मोड्स आते हैं, क्या कुछ नया आ रहा है, और अगर मैं इसकी तारीफ़ करूँगा तो क्यों करूँगा वो आपको बता दूँगा, और अगर मुझे इसमें कुछ चीज़ पसंद नहीं आती है जो मुझे लग रहा है कि और आगे जब गाड़ी चलते जाएगी फीडबैक आएगा तो वो भी हम बात कर लेंगे। फाइनेंस वगैरह कैसे कराना है, क्या सारी कीमत वगैरह आएगी वो भी बात करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, अगर रेगुलरली वीडियोस देखते हो तो शेयर तो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस गाड़ी के फ्रंट से और फिर हम बैठ के बता दूंगा कंफर्ट वगैरह कैसा आता है। दोस्तों जब इस गाड़ी के आगे की बारे में बात करते हैं, मोंटेरा सुपर के आगे के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे LED लाइट्स आती हैं, ऊपर नीचे ये बाई LED लैंप्स आते हैं। हालांकि बेसिक मॉडल में आपको हैलोजन मिलेगा, टॉप मॉडल में आपको LED लाइट्स मिलती है। यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह दिखते हैं और बढ़िया लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, एक तरह कार की तरह लगता है। दूसरी बात, ये वाला जो पैनल आता है ये पैनल साइड से आता है, तो इसका फायदा ये है कि यहाँ से हवा कटेगी तो एयरोडायनेमिक काफ़ी बनाता है, मतलब रेंज एक्सटेंड होगी गाड़ी की, और बहुत ही थॉटफुल ये डिज़ाइन है। यहाँ से भी आप देखोगे तो हवा को निकलने के लिए बहुत तरीके से चीज़ें बनाई है। ये वाला जो इनका लोगो है ये ईगल इंस्पायर्ड है, ईगल इंस्पायर्ड मतलब ये आपका बाज से निकल के आता है, इसका एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। और यहाँ पे ये आपको M शेप दिखेगा, M मतलब मोंटेरा, तो ये बहुत अच्छा लगता है। हालांकि ये वाला जो पार्ट है ये पॉलीमर का पार्ट है और यहाँ पे ये सारा मेटल है, तो इस गाड़ी में इन्होंने स्टील यूज़ किया है और भर के स्टील यूज़ किया है, वो एक पार्ट है। यहाँ पे आपको अपनी ग्रीन प्लेट लगाने के लिए जगह मिलती है। अगर इनके आप मडगार्ड की बात करो तो बहुत ही बढ़िया लगा है, काफ़ी इनोवेटिव सा लगा है। और एक चीज़ अगर मेरे कैमरामैन यहाँ दिखाएंगे तो यहाँ पे जो शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए गए हैं वो डबल लगाए गए हैं, तो जिससे कि गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया रहने वाली है, तो बहुत ही बढ़िया काम वहाँ पे ब्रेक आपको मिलता है। और अगर हम टायर साइज़ की बात करेंगे तो 12 इंच का टायर हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो कि एक बढ़िया है और वाइड टायर है, मतलब काफ़ी अच्छे से ये जो है काम करने वाला है इस गाड़ी में, कम्फर्टेबल कुशनेबल वहाँ पर रहने वाला है। कुछ चीज़ें अगर आप देखो तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ से जो है कहीं ना कहीं एयरोडायनेमिक हवा निकलने के लिए जगह है, तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी गाड़ी एयरोडायनेमिक बनती है, जिससे कि ड्रैग कम होता है। अगर ये शीशा बिल्कुल खड़ा होता तो गाड़ी की रेंज पे फ़र्क पड़ता और गाड़ी पर डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम आती लॉन्ग रन में, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। वाइपर की बात करें, हम लोग मोस्टली चिंटू मिंटू से वाइपर देखते हैं एक थ्री व्हीलर में, बट यहाँ पे वाइपर में भी कोई कंजूसी नहीं की है, कोई कॉस कटिंग नहीं देखने को मिल रहा है, प्रॉपर वाइपर है और ये वर्टिकल स्वाइप करता है, जिससे कि गाड़ी का शीशा जो है वो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। फ्रंट से देखने में गाड़ी कैसी लगती है, तो अलग लगती है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है मुझे गाड़ी, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती कि ऊट पटांग लगती है, और अलग लगती है से मतलब अलग अच्छी में अलग लगती है। हालांकि लुक्स जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं, किसी को पसंद नहीं भी आ सकते, बट मुझे गाड़ी के लुक्स जो है वो पसंद आते हैं। अब हम बात करते हैं गाड़ी में साइड के बारे में। जब आप साइड से देखोगे तो पहली चीज़ है कि आपके जो ड्राइवर बैठने वाला है वहाँ पे जो गेट है वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा दिया हुआ है, जैसे कि अंदर बाहर आसानी से जा सकते हो, बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल सा यहाँ पे लगता है। अब इस केबिन में क्या है वो मैं बात करूँगा थोड़ा सा और आपको पूरा बाहर का दिखाने के बाद जब इंटीरियर की बात करेंगे। और पीछे की तरफ अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो बहुत ही इनोवेटिव सी चीज़ इन्होंने की है, वो ये है कि जब यहाँ हम देखेंगे तो ये एक हैंडल देते हैं, तो यहाँ पे आपको एक हैंडल मिलता है और ये कार की तरह हैंडल मिलता है, ऐसा आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रक्स में भी ऐसे आता है और काफ़ी सारी जगह पे आता है। तो ये एक बहुत ही कॉस्ट कटिंग नहीं दिख रही है कहीं भी, और ये फाइबर का देते हैं लोग बाग, बट इन्होंने स्टील का दिया है और बहुत ही तरीके से पेंट किया, ये अच्छी चीज़ है। अगर आप हिंजेस वगैरह की बात करोगे तो ऐसा नहीं लगता, देखो सरकारी नियम है कि पीछे आपको डोर देना ज़रूरी है, तो सरकारी नियम है तो उस सरकारी नियम से डोर आते हैं, मतलब ये गेट आते हैं। फिर भी इन्होंने क्या किया है कि उसमें ऐसा नहीं किया कि नियम है तो चलो कुछ भी डाल देते, इन्होंने बहुत तरीके से उस चीज़ को डाला है, ये चीज़ आपको लॉन्ग रन में फील होगा कि कब्जे वगैरह जितने डाले हैं, हिंजेस वगैरह जो हैं वो बहुत ही बढ़िया डाले। अब एक चीज़ और कि हम ना जब लोड करते हैं सवारियों को या जब हम बैठाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, नीचे से ग्राउंड से हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने वाला है। ग्राउंड से जो हाइट है वो बहुत ही बढ़िया मेंटेन की हुई है, काफ़ी रेगुलेटेड हाइट है, और अगर आप थोड़े से हाइट वाले तो आसानी से चढ़ के बैठ सकते हैं, अंदर बाहर जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पेशली जब बच्चों को चढ़ेंगे या फिर कोई बुज़ुर्ग चढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ पर रहने वाला है, तो ये प्रीमियम ऑटो इसको कह सकते हो आप।
ये मुझे फील भी हो रहा है। और साइड से अगर बात करो तो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन लैंग्वेज लगती है, यहाँ भी जो फेंडर्स वगैरह हैं वो एकदम शार्प हैं, कोई ऐसी मतलब बहुत ऊट पटांग चीज़ें करने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये हार्ड टॉप वाला है, मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ भी छत जो है वो प्रॉपर आती है और साइड से भी जो छत है वो प्रॉपर आती है। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ भी 12 इंच का टायर लगाया गया है, पर ये थोड़ा सा पतला टायर है माइलेज निकालने के लिए या फिर आपको रेंज निकालने के लिए, जिससे कि बेहतर माइलेज आता है। 12 इंच का MRF की तरफ से ये भी इन्होंने दे रखा है, 4 बोल्ट से बोल्टेड है और पीछे की तरफ एक्सल भी स्ट्रॉन्ग लगा है। अच्छी बात क्या है इस गाड़ी के बारे में, गाड़ी पूरी स्टील फ्रेम पे बनाई है, मतलब जो इसका फ्रेम डाला गया है उसको बहुत मजबूत बनाया गया है। इंडिया के जो हमारे खड्डे हैं सड़कें हैं उस पर गाड़ी डिसबैलेंस नहीं होगी, नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं होता चैंपें चैंपें यहाँ वहाँ से आवाज़ आ गई, तो इसमें चैसी नीचे की बहुत बढ़िया डाली है। गाड़ी के बारे में कुछ नेगेटिव्स भी हैं वो हम देखेंगे वीडियो के आखिर में। अब हम बात करते हैं गाड़ी में पीछे की तरफ से। जब आप गाड़ी में पीछे की तरफ से बात करते हो तो यहाँ पे एक प्रीमियम बनाने के लिए शीशा आता है, यानी कि ग्लास आता है। बहुत ही ज़्यादा कम गाड़ियों में देखा गया है कि जब पीछे की तरफ शीशा दिया हो, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगती है, प्रीमियम बनाती है। फिर यहाँ पे मोंटेरा इलेक्ट्रिक का एक स्टिकर लगाया हुआ है, ये रेडियम से लगाया हुआ है, कोई एम्ब्रोजिंग वाला काम नहीं है। यहाँ पे आपको हिंजेस देखेंगे तो आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है, तो देखो मैं दिखा देता हूँ ये क्या चीज़ है। तो ये एक डिग्गी है, जी हाँ ये बूट है, इस गाड़ी का ये बूट है। यहाँ पे आप बैग रख सकते हो और बहुत सारी चीज़ें और भी रख सकते हो। इन्होंने इसको फिलहाल हमें दिखाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और गाड़ी जब आएगी तो उसके लिए कुशन दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी और फाइन स्टिचिंग की मैटिंग है, बट मेरा ख्याल है कि शायद ये आपको डिलीवरी के टाइम नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ काफ़ी सारे पैनल्स होते हैं जिनके नीचे गाड़ी की मोटर वगैरह लगी हुई है, वो हम नीचे से बाद में देखेंगे। और यहाँ से सीट वगैरह भी पीछे से अच्छे से इन्होंने कवर की हुई, वो एक चीज़ है। और इसको लगाना बहुत आसान है, जैसे कार की तरह आप उसको लगाओगे तो अलग से ऐसा नहीं है कि लैच वगैरह डालना है आपको, काफ़ी ईजी है वो चीज़। यहाँ पे LEDs का काम है, गाड़ी में जितनी भी लाइट यूज़ करी है सारी LEDs हैं। और अगर इस LED को देखोगे तो अंदर की तरफ बहुत खूबसूरत तरीके से जलती है, ये ब्रेक लाइट है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, ये आपका बैक लाइट वगैरह है, यहाँ भी कुछ रिफ्लेक्टर मिलते हैं ताकि गाड़ी की सेफ्टी बनी रहे। यहाँ अगर आप बात करो पीछे की नंबर प्लेट पे गवर्नमेंट मैंडेट में यहाँ भी लाइट वगैरह मिलती है, ओवरऑल अच्छा दिखता है। ये नीचे का जो बम्पर है ये भी आपको बढ़िया दिखेगा, और यहाँ नीचे की तरफ एक स्टील प्रोटेक्टेड बम्पर भी दिया गया, पीछे एक बार दिया हुआ है जिससे कि अगर गाड़ी कभी पीछे से हिट करती है तो सेफ्टी पीछे से भी रहने वाली है। ओवरऑल पीछे से गाड़ी एक कार की तरह फील होती है, डिग्गी है, शीशा है, सब कुछ है, विंडशील्ड कह सकते हो आप एक तरीके से, रियर विंडशील्ड है, तो गाड़ी बहुत बढ़िया यहाँ से भी प्रीमियम की तरह दिखती है, फील होती है। तो हम बात करेंगे ड्राइवर साइड से क्या कुछ है गाड़ी में। तो अगर हम ड्राइवर साइड से बात करें तो जैसा उस तरफ दिखता है बिल्कुल सिमेट्रिकली दिखता है। यहाँ भी फेंडर्स बहुत बढ़िया लगाए गए हैं, यहाँ पे गेट लगाया गया है, गेट जैसा हमने वहाँ देखा था हैवी क्वालिटी का, बिल्कुल सेम हैवी क्वालिटी का गेट वगैरह है। और अब हम चलते हैं पीछे की तरफ, पहले मैं आपको पीछे बैठ के दिखा देता हूँ कैसा एक सवारी के तौर पर लगने वाला है, फिर हम बात करेंगे ड्राइवर केबिन में कि क्या सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। तो सबसे पहली बात तो जो मैंने वहाँ से बताया था कि इस गाड़ी में चढ़ना बहुत आसान है, तो आप इस गाड़ी में आसानी से चढ़ सकते हो। फिर क्या होता है कि इस गाड़ी की जो लेंथ है, अब देखो मैं एक 6 फीट का बंदा हूँ, अब 6 फीट के बंदे के लिए आप पैर देखो, अगर मेरे कैमरा मेरे यहाँ से आके दिखाने की कोशिश करेंगे तो मेरे अगर आप पैर देखो कि घुटनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, मैं पैर को स्ट्रेच कर सकता हूँ, मतलब मैं इसमें फैला सकता हूँ, मतलब आपकी जो सवारी बैठने वाली है पैसेंजर बैठने वाली है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, चढ़ने उतरने भी नहीं होने वाला है, बैठने में भी नहीं होने वाला है, बहुत ही भर भर के स्पेस यहाँ पे मिलता है। गेट लगा देता हूँ मैं तो और मेरे को कार जैसी फीलिंग आती है, कम्फर्टेबल फीलिंग वहाँ पर कहीं ना कहीं आती है। और अगर हम बात करें अंदर की तरफ देखेंगे तो 3 पैसेंजर्स को यहाँ बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सीट की स्टिचिंग की बात करें तो यहाँ पे ड्यूअल टोन स्टिचिंग की हुई है बिल्कुल कार की तरह, और बहुत ही अच्छा सा फैब्रिक इसमें यूज़ किया गया है, जो इसमें रैगजीन लगाई है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पर फील हो रही है, वो सारी चीज़ें। हालांकि नीचे ये इन्होंने मैटिंग डाला हुआ है, मैटिंग के नीचे अगर आप देखोगे तो भी जो फ्लोर है वो एंटी स्किड फ्लोर लगाया हुआ है, मतलब अगर आपके शूज़ वगैरह पहन के कोई आता है गीले वगैरह चढ़ता है तो स्किड नहीं होगा, वो एक बहुत अच्छा पार्ट यहाँ पे आता है। इसके पीछे जो है गाड़ी की बैटरी लगती है, इस सीट के ठीक नीचे गाड़ी की बैटरी है, बैटरी फिक्स्ड टाइप बैटरी है, मतलब NMC बैटरी आती है, निकल कोबाल्ट मैग्नीशियम वाली बैटरी आती है और फिक्स्ड टाइप बैटरी है, वो सारी चीज़ें। जब इस गाड़ी में जाते हो तो ये एक तरीके से हैंड रेस्ट का भी काम करता है। और एक चीज़ और है कि अगर आप ऊपर हेडरूम की बात करोगे तो एडिक्वेट हेडरूम मिलता है, ये हार्ड टॉप वाला वेरिएंट है, और हार्ड टॉप वाले वेरिएंट में भी अगर बात करूँ मैं 6 फीट का बंदा हूँ, मैं फुल स्ट्रेच होकर बैठा हूँ, तब भी आप ऊपर की तरफ कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जब मेरा सर कहीं टकरा रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रैब रेल्स वगैरह भी मिलते हैं। पीछे पैसेंजर्स को भी प्रॉब्लम आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, बहुत ही कंफर्टेबल जाएंगे। एक इलेक्ट्रिक रिक्शा सेगमेंट के हिसाब से देखूँ, जिस सेगमेंट में गाड़ी आती है वहाँ पे एक कार जैसा कंफर्टेबल कहीं ना कहीं देने की कोशिश की। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आता है तो एक लेग रूम पसंद आता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह गाड़ी में दी हुई है। नीचे की तरफ अगर अंदर थाई सपोर्ट वगैरह की भी बात करोगे आप, जो हम अक्सर थ्री व्हीलर्स में नहीं करते हैं, फिर भी मैं बात करूँगा तो काफ़ी कम्फर्टेबल गाड़ी लगती है बैठने के बारे में और बैठने के बाद, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी लगती हैं। यहाँ से व्यू भी वाइड आता है, मतलब आपको हवा वगैरह भी प्रॉपर आएगी और आपके पैसेंजर जो है खुश होने वाले। अब हम चलते हैं ड्राइविंग सीट पर, देखते हैं क्या सारी चीज़ें आती हैं एक ड्राइवर के लिए। दोस्तों जब हम मोंटेरा सुपर ऑटो के यहाँ से बात करते हैं, यानी कि ड्राइवर सीट से, तो आपको बहुत ही
अच्छा लगेगा। मतलब ये एक तो पहली हैंडल बार है ना, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह बहुत ही स्मूथ सा फिनिश किया गया है, वो एक चीज़ आपको बहुत मज़ेदार लगने वाली है। एकदम स्मूथ सी फिनिश यहाँ पे की गई है, कोई ऐसा नहीं अजीब सा नहीं लगाया कि मतलब कोई लाइट वाली ICE गाड़ी का, मतलब इंटरनल कंबस्टन वाली गाड़ी का ला के यहाँ पे डाल दिया है। प्रॉपर बनाया, अच्छी लगती है, ऊंचा है थोड़ा सा, मतलब जैसे घुटने ही टकराते हैं हमारे कई बार कि घुटने फंस गए। मैं 6 फीट का बंदा हूँ, इसके बाद भी आप देखो घुटने के बीच में कितना सारा स्पेस है, वो एक चीज़ है। अपराइट पोजीशन है। अब सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे जो चीज़ लगती है वो ये लगती है कि इसकी सीट आप देखोगे तो फुल साइज़ की सीट मिलती है, तो मेरे को बैठने में ऐसा लग रहा है मैं कोई कार चला रहा हूँ या मैं फुल साइज़ बैठा हूँ। मतलब पीछे बैक में बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादातर ऑटो ड्राइवर्स को यहाँ पे पीछे प्रॉब्लम होती है एक लॉन्ग रन में जब वो चलाते रहते हैं तो उस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे वो नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे फुल साइज़ का सीट मिलता है। मेरे ख्याल से बहुत ही कम या शायद नहीं एग्जिस्ट करते हैं ऑटो रिक्शो, या जिनके एग्जिस्ट करते हैं जिनके हैं उन्होंने खुद गाड़ी की सीट लगवाई है। वो एक चीज़ है, गाड़ी की गद्दी आगे तक है, ये नहीं छोटा डाल दिया, तो अंदर थाई सपोर्ट वगैरह बढ़िया है और ब्रेक वगैरह पे पैर वगैरह भी आसानी से आता है, जब लंबा चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कंफर्टेबल पीछे टिक के चलाइए आप, काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रैफिक में निकल सकते हो। यहाँ पे 5 ड्राइविंग मोड आते हैं जिसमें आपको पार्क एसेस मिलता है, जिसमें गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो चलती है और ये कहीं ना कहीं रिवर्स का भी काम करता है। मतलब गाड़ी जब बैक करोगे आप तो बहुत स्लो स्पीड में चलेगी, गाड़ी में ताकत बहुत ज़्यादा है, 60 Nm का टॉर्क है, तो गाड़ी एकदम से पीछे ना चले जाए, आपसे कंट्रोल में रहे, इसलिए यहाँ पे ये पार्क असिस्ट मिलता है। फिर यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे इको मोड है, ये ड्राइव मोड है। इको मोड आपको जब चलाना है, आप अकेले चल रहे हो, सवारियाँ ढूंढ रहे हो, बहुत तेज़ नहीं चल रहे, तो इको मोड चला लो। फिर आप ड्राइव मोड जब चला सकते हो, जब आपको गाड़ी जो है नॉर्मली आप पैसेंजर साथ ड्राइव कर रहे हो, और अगर हिल वगैरह पे हो, घाट वगैरह सेक्शन पे हो, तो आप फिर जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं पावर मोड जो है चला सकते हो। और ये पार्क असिस्ट मोड आगे और पीछे दोनों तरफ से काम करता है, क्योंकि आप फ्रंट और रिवर्स यहाँ से सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ से फ्रंट और रिवर्स आपका सिलेक्ट होता है, काफ़ी हैंडी है। ये आपका अपर और डिपर के लिए लाइट्स का स्विच है, यहाँ से आप जो है लाइट्स को ऑन और ऑफ कर सकते हो। ये आपका इंडिकेटर का स्विच है और यहाँ से आपका हॉर्न आता है, और हॉर्न भी ठीक साउंड करता है। ये गाड़ी की जो है कहीं ना कहीं चाबी यहाँ लगा सकते हो, और यहाँ पे एक ग्लो बॉक्स मिलता है जो हम इस तरफ से दिखाएंगे। अगर हम बात करें इस स्क्रीन के बारे में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हालांकि अभी आपको कैमरे में थोड़ा सी डल दिख रहा होगा, बट इतना डल नहीं है। यहाँ पे आपको दिखा देगा कि पार्किंग रिवर्स में कितना है, मतलब ये रीजनरेशन वगैरह का सीन क्या है, यहाँ पे बैटरी कितना चार्ज है, 83% बैटरी चार्ज है, यहाँ पे कितना टाइम वगैरह हो रहा है, किलोमीटर्स वगैरह का क्या सीन है, ट्रिप्स वगैरह आपकी दिख जाएंगी कि ट्रिप वगैरह कितना चलाया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें ये डिस्प्ले दिखा देता है। बेसिक जितनी चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में, वो दिखा देता है। यहाँ पे मोड्स वगैरह आपके आते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका 12 वोल्ट का एक चार्जिंग आउटलेट मिल जाता है, यहाँ पे आपको 1000 लैंप जलाने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, और ये आपका वाइपर। अगर यहाँ पे आपको मिलती है एक ग्लो बॉक्स जो कि बहुत अच्छा है, इसकी चाबी हालांकि अलग से आती है, गाड़ी की चाबी के साथ ये काम नहीं करता है। ये देखो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आप इसमें पैसे वगैरह रख सकते हो, मोबाइल वगैरह रख सकते हो, और एक अलग से कंपार्टमेंट भी दिया हुआ है यहाँ पे मोबाइल वगैरह अलग से रखना, 2 कंपार्टमेंट, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो 2 चीज़ें मिलती है। ओवरऑल हैंडल वगैरह पकड़ने करने में सारी चीज़ें जो है बहुत बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आने वाली है। गाड़ी की अगर यहाँ पे बात करो इस तरफ, तो हैंड ब्रेक आता है, नीचे की तरफ आपकी स्टेपनी रखी हुई है, और वो सारी चीज़ें। गाड़ी में कुछ चीज़ मिसिंग है जो होना चाहिए था, वो है इसमें एक बॉटल होल्डर नहीं आता है, तो अगर आप पानी रखने की कोशिश करते हो तो आपको पानी थोड़ा जुगाड़ से रखना पड़ेगा, तो पानी रखने के लिए जगह जो है बनाई जा सकती थी, वो एक पार्ट इसमें थोड़ा सा मुझे मिसिंग लगता है। अब आप मुझसे पूछो कि गाड़ी चार्ज कैसे होती है, या फिर हमें चार्जिंग गन कहाँ फंसानी है, तो देखिए जब बात आती है चार्जिंग गन की, तो चार्जिंग गन यहाँ पर आती है, तो यहाँ से आपको मिलता है। इसमें 2 फायदे होते हैं यहाँ पर चार्जिंग गन देने का। एक फायदा तो दोस्तों ये होता है कि अगर चार्जिंग आपको यहाँ से करनी है तो आपका पानी वगैरह नहीं जाएगा, चार्जर वगैरह में पानी नहीं जाएगा, तो गाड़ी आपकी सेफ रहने वाली है। दूसरी बात, यहाँ से थोड़ा सा मुझे ठीक भी लगता है कि गाड़ी में आगे का साइड में आती है, तो उससे अंदर की तरफ आएगा तो थोड़ा सा कंफर्टेबल सा रहने वाला है। तो यहाँ आपको चार्जिंग मिलती है, इसके नीचे जो है वो बैटरी कहीं ना कहीं प्लेस की गई है। अगर हम एक्सेल की बात करें तो बढ़िया दिख रहा है यहाँ से, और दोनों तरफ शॉक एब्जॉर्बर्स दिए हुए हैं। नीचे से अंडर बैली की गाड़ी की बात करें तो बहुत सॉर्टेड है, जितनी केबल है वो इसमें आग नहीं लगेगी, फायर प्रूफ केबल्स आती हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो सोलेनोइड गाड़ी में दिया हुआ है, उस तरफ मोटर लगी हुई है आगे की तरफ, ड्राइव मोटर वगैरह भी बहुत बढ़िया है, तभी मोड दे पाते हैं और गाड़ी अच्छे से पिकअप लेगी ऐसा दिख तो रहा है यहाँ से, हालांकि टेस्ट ड्राइव वगैरह हमने अभी तक नहीं ली है। तो ये दूसरा वाला मॉडल है, उसमें कांच आता है पीछे की तरफ, और इस वाले मॉडल में अगर आप बात करो तो कैनवास आता है, और ये कैनवास की तरह यहाँ से पीछे की तरफ दिखता है। दूसरी बात, उसमें जो बूट था वो कम्प्लीटली कारों की तरह था, इसमें जो बूट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब इसका जो बूट है तो उतना ही बड़ा है वही चीज़, बट इसमें थोड़ा सा अलग है, मतलब ये इस तरह से आता है। ये दूसरा मॉडल है, ये बेसिक मॉडल है जो आपको 3,02,000 के आसपास में आएगा। और इस गाड़ी में अंतर की बात करें तो पीछे वो वाला अंतर है, ऊपर भी आपको कैनवास दिखेगा, सॉफ्ट रूफ दिखेगा, हार्ड रूफ नहीं दिखेगा, ये बहुत बड़ा इसमें मेजर अंतर है। बाकी ड्राइव ट्रेन वही है, बैटरी का थोड़ा अंतर है, उसमें आपको 10 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिसमें वो लोग 200 किलोमीटर के आसपास, 197 किलोमीटर के आसपास सरकारी रेंज क्लेम करते हैं, और ARAI सर्टिफाइड रेंज है, और उसमें 160 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज मिलेगी। इस वाली गाड़ी की अगर आप बात करोगे तो इसमें आपको 120 किलोमीटर के आसपास की रेंज क्लेम करते हैं, 155 किलोमीटर सरकार इसमें ARAI क्लेम करती है।
तो वो सारी चीज़ें हैं। अंदर की तरफ कैसा है, तो बिल्कुल सीट बिल्कुल वैसी ही दे रखी है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग नहीं है। हालांकि हेडलैम्प्स जो हैं उनको हैलोजन बनाया गया है, उनमें LEDs नहीं है। गाड़ी की टॉप स्पीड 55 किलोमीटर पर आर की होती है, जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, मतलब गाड़ी तो और भी ज़्यादा जा सकती है। अगर दोस्तों हम लोग इसके टॉर्क की बात करें तो 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क गाड़ी मैक्सिमम प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड है इस सेगमेंट में और लीडिंग भी है। गाड़ी के साथ में एक ऐप भी लॉन्च किया है, जिसको आप 7 अलग अलग भाषाओं में यूज़ कर सकते हैं। 24/7 रोड साइड असिस्टेंस देते हैं, 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी भी आप ले सकते हैं, 3 साल का AMC ले सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लगभग 100 से ज़्यादा डीलरशिप्स इनकी इंडिया में आने वाली हैं। 5 राज्यों में इन्होंने फिलहाल इस गाड़ी को अवेलेबल करवाया है, बाकी बहुत जल्दी और भी इस गाड़ी को अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर बात करें गाड़ी के फाइनेंस के बारे में, तो फाइनेंस के बारे में कोई बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं है, बट गाड़ी आसानी से जो है आपको फाइनेंस हो जाएगी। नीचे दिए गए लिंक पर आप एक बार क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों मुरुगप्पा ग्रुप ने जब प्रोडक्ट लॉन्च किया तो लाइवलीहुड के बारे में बात करी, यानी कि आपकी रोजी रोटी के बारे में बात करी, कि रोजी रोटी कमाने के लिए आदमी अगर अपना ऑफिस समझता है, इस गाड़ी को घर समझता है अपना इस गाड़ी को, तो उसको घर की तरह महसूस होना चाहिए। वो आधी कटी सीट पर क्यों बैठेगा, वो पूरी सीट पर क्यों नहीं बैठेगा, वो बार बार दिन में चार्ज करने क्यों जाएगा, वो एक बार चार्ज करके क्यों दिन भर नहीं चला सकता, तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट करी। 5-7 साल का एक्सपीरियंस नहीं है इनका, इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में, 122 साल पुराने हैं ये मार्केट में। 2 वेरिएंट्स में गाड़ी लॉन्च करी, 10 किलोवाट आर और 7.3 किलोवाट आर। 10 किलोवाट आर के साथ में 155 से लेके 160 किलोमीटर के आसपास रेंज आई, और 120 किलोमीटर की रेंज निकल के आई 7.3 किलोवाट आर के बैटरी के साथ में। इंडस्ट्री में लीडिंग वारंटी है, 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी यहाँ पे निकल के आती है। सब्सिडीज़ वगैरह के साथ में गाड़ी की प्राइस जो शुरू होती है वो 3.2 लाख से शुरू होती है। तो ये सारी बातें थी मोंटेरा के सुपर ऑटो के बारे में। अब ये सुपर ऑटो सुपर कैपेसिटीज़ के साथ में आता है। सबसे बड़ी बात तो इसका जो टॉप मॉडल आता है उसकी रेंज बहुत बढ़िया आती है, मतलब 160 किलोमीटर की अगर रियल रेंज मिल जाती है एक चार्ज में, वो बढ़िया है। 4 से 4.5 घंटे लगते हैं गाड़ी को पूरा चार्ज होने में, वो अच्छी चीज़ है। 3 मॉडल्स में आती है जिसमें बैटरी कैपेसिटीज़ का मेजरली अंतर है, तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, आपको हार्ड टॉप चाहिए ऊपर वो चाहिए तो वो ले सकते हो, सॉफ्ट टॉप चाहिए वो ले सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी है वैसा ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चीज़ों को यहाँ पर अवेलेबल करवा रखा है, तो वो पार्ट बहुत बढ़िया आता है। अब ये सारी बातें मैंने आपको लगभग बताने की कोशिश की। अभी भी आपको कोई ऐसा सवाल है जो आपका रह गया गाड़ी के बारे में आपको पूछना है, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं नीचे इनके कुछ वेबसाइट की डिटेल्स भी डाल सकता हूँ, उनको भी आप डायरेक्ट जाके पिन कर सकते हो। कोई फीडबैक अगर आपके गाड़ी के बारे में है तो वो सारी चीज़ें। और आप मुझे बताओ कि इन गाड़ी में जो कीमत रखा है लगभग 3 लाख से लेकर 3.5 लाख तक, बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक का, वो आपको कैसा लगता है? और फाइनेंस वगैरह जो कि इनका खुद का ही है, तो फाइनेंस के ये बहुत बेहतर विकल्प देने वाले, तो फाइनेंस की आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो, वो सारी चीज़ें बताओ। और अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो, वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। अगर आपको और लोगों के साथ शेयर करना है, किसी और को ये गाड़ी दिखानी है, तो उनके साथ में आप जिसको शेयर कर सकते हो। तो ये सारी बातें थी इस वीडियो में, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू कराइए, और ट्रैफिक पुलिस में से मत जगड़िए। नमस्कार, जय हिंद।